दूसरी बात ये है कि ये बिल जो लाए हैं इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है, और तीसरी बात ये है कि ये तो आईन में इनको तरमीम करना पड़ेगी, आर्टिकल 184(3) के नीचे अपील का प्रोविजन रखना पड़ेगा। ये आप अपील का प्रोविजन जो है थ्रू सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, इसलिए वो बिल है ही फ्लॉड। और फिर ये रिव्यू में कह रहे हैं कि रिव्यू में भी वो जो है इस तरह से होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये तमाम बिल की 5-6 शिकें हैं, और सारी की सारी शिकें जो हैं वो मेरे ख्याल में अदलिया पर कदगन लगाने के मुतारादिफ हैं, और अदलिया इसको जाहिर है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ये मावरा है। तो सर जी, सर जी, ये 3-4 का जो फैसला कहा जा रहा है कि ये 3 क्या है, 4 का है, 2 का है, 3 का, आप क्या समझते हैं? तो यार वो तो 5 जजेस ने फैसला सुनाया, 3-2 की जो है निस्बत से उसको जो है मंजूर किया और हिदायत दी, इसमें कोई इबहाम नहीं है। जो लोग मेंबर ही नहीं थे इस बेंच के, रिकॉन्स्टिट्यूट बेंच हुआ, उनकी राय को आप कैसे जो है कर सकते हो, और माइनॉरिटी व्यू को मुसलत कर रहे हैं आप मेजॉरिटी पर, ये भाई ऐसे नहीं होता है। ये सिर्फ मरियम बीबी ही कह सकती हैं, और मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा है हमेशा कि वो अदालत के साथ तसादम करते हैं, पहले मिठाइयाँ बांटते हैं और बाद में पता चलता है कि ये फैसला उनके खिलाफ आया है।